आप सभी को नमस्कार। मैं आज की प्रेस ब्रीफिंग के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि कल हमारे एक परिवादी ने हमको ये शिकायत की थी कि सीबीआई के एक इंस्पेक्टर वो एक दलाल के जरिए अपने दलाल के जरिए उनको धमका रहे हैं और उनसे पैसे चाहते हैं, ये कहने के लिए कि उनके पास जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें वो उनकी मदद करेंगे। और इस सूचना पर हमने जो दलाल हैं जिनका नाम है शांतिलाल, शांतिलाल दलाल के जरिए सीबीआई के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे परिवादी से पैसे मांगे। पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे, 90 लाख, 90 लाख। पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे और उसके अलावा वापस और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि पैसे और मिल जाएं, 90 लाख और मिल जाएं, 60 लाख और मिल जाएं, इस प्रकार की कोशिश कर रहे थे। ये सारे वार्तालाप दलाल के जरिए हो रहे थे। कल शांतिलाल को 30 लाख रुपए कैश और 45 लाख रुपए चेक, यानी कुल 75 लाख रुपए देते हुए हमने शांतिलाल दलाल को ट्रैप कर लिया। घटना जो है वो रात की हुई है और इस ट्रैप के बाद हमारी टीम ने प्रकाश चंद को भी तफ्तीश के लिए बुलाया, लेकिन वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके फरार हो गए। देर रात को सीबीआई के अधिकारियों को भी हमने बताया और उन्होंने भी उसको तलाश करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। आज सुबह से हमारे अधिकारी और सीबीआई के अधिकारी उसके निवास की, घर की तलाशी ले रहे हैं। अभी तक की जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से ये कुछ गृह निर्माण समिति के संबंध में किसी विवाद को लेकर के 18 केसेस पहले दर्ज हुए थे और इन केसेस को हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई में ट्रांसफर किया गया था। इन 18 केसेस में से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रकाश चंद थे और इन 3 केसेस में हमारा परिवादी मुलजिम भी नहीं था, लेकिन उसको ये धमकाया जा रहा था कि हम आपको इसमें मुलजिम बना देंगे अन्यथा आप हमको पैसे दो, जिसके लिए 90 लाख पहले लिए थे और 75 लाख कल उन्होंने प्राप्त किए। सीबीआई के अधिकारी लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ भी हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रकाश चंद दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और डेपुटेशन पे यहाँ पर कार्यरत हैं। कुल कितने केसेस दर्ज हैं, इनके पास कितने इन्वेस्टिगेशन थे, सीबीआई के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमें सारी जानकारी और फाइलों के बारे में जो प्रतियां हैं वो हमको प्रदान कर देंगे और आगे की जो भी जानकारी होगी हमारी तफ्तीश के बाद आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। सर, घर पे जो सर्च किया सर, क्या कुछ अभी चल रहा है? चल रही है, अभी चल रही है सर। ये शिकायत भी कर ली हुई है? नहीं, शिकायत 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 लगभग लगभग एक महीना पहले हुई थी और हमने कुछ इंटरसेप्शन भी किए। शांतिलाल के नंबर का हमने इंटरसेप्शन भी किया था, वो सर्विलेंस पे थे और काफी वार्तालाप हमारे पास जरिए टेलीफोन भी मिले हैं और जरिए बातचीत भी कुछ हमने रिकॉर्डिंग कराई है। कहाँ से पकड़े शांतिलाल? प्रकाश चंद। जय जवान, जय जवान कॉल। जय जवान कॉल। मैं अभी एड्रेस एड्रेस बता देता हूँ, एड्रेस मेरे पास है। और ये रिकॉर्ड
पूछना तो बता आप बता दो। 30 लाख नकद और 45 लाख के 11 चेक थे जो उसने सेल्फ साइन करके दे रखा था। रजनी बिहार11 चेक उन्होंने अपने सामने लिखवा के लिए, तो अब वो वही बता सकते हैं। तफ्तीश में आएगा कि वो लिखवाए 11 क्यों दिए, 5 क्यों लिए। परिवादी ने अपना नाम गोपनीय रखने के लिए कहा है, हालांकि एक दो रोज में जब FIR वगैरह पहुंचेगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तफ्तीश के लिए भी अभी जरूरी है कि नाम गोपनीय रखा जाए। गृह निर्माण समिति के ये डायरेक्टर वगैरह हैं, जाहिर है पहले ये सारा झगड़ा ही गृह निर्माण समितियों का है। आनंद बिहारी का क्या नाम था, आनंद भवन, गृह निर्माण समिति। केस का ट्रैप जो है वो नरोत्तम वर्मा ने किया है, हमारे अधिकारी ने। इसका सारा जो सुपरविजन है हमारे ADG साहब सौरभ श्रीवास्तव और दिनेश हेमन IG साहब ने किया है, और कई लोग हमारी इस टीम में, जो सर्च टीम में और जो हमारी टेक्निकल टीम है, सर्विलेंस टीम होती है, उन्होंने सबने सहयोग किया है। संभवतः अमाउंट के हिसाब से ये एक बड़ा ट्रैप है, जिसमें कि डिमांड करने के बाद से मनी दी गई है। 90 लाख कब दिए थे? अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में दिए हैं। और 90 लाख पूर्व में 90 लाख वो प्राप्त कर चुका था, ऐसा कंप्लेन कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा परिवादी कहता है कि उसने पहले 90 लाख रुपए रिश्वत में दे चुका है ऑलरेडी। कुल मांग इनकी 1.5 करोड़ से ऊपर की। ये CBI के पास कब से थे सर मुकदमे? ये 18 जनवरी 18 से के आसपास से थे, हाईकोर्ट के आदेश से ये मुकदमा। बाकी अभी हमारा जो फोकस था, जो फोकस था वो ट्रैप पे था, केस कौन से थे, कब आए, और इनकी डिटेल्स जो हैं वो हम CBI से बात करके आपको और देंगे। अभी तो CBI को रात को बताया है और सुबह बात करके लगातार सहयोग ले रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम तो आइए बता देंगे, दे देंगे आपको। देर रात किया है, देर रात की कार्रवाई। नहीं, अभी जयपुर के बाहर नहीं, जयपुर में उसके निवास स्थान पे सर्च चल रहा है। सर पिछले 4-5 साल में ACB ने काफी अच्छा काम किया, कुछ IAS IPS ट्रैक किए, लेकिन अगर आउटपुट देखें लास्ट, तो वो वापस ही रेस्टिवेस हो गए, उनको प्रमोशन मिल गए, बढ़िया तरीके से नौकरी कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स तो ऑलमोस्ट जीरो हो गए, इस पे क्या कहना आपका? इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, और बाकी किसी और के कार्य पे टिप्पणी करना मेरा कार्य नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ACB ने CBI के किसी अधिकारी को ट्रैप किया। मेरी जानकारी में राजस्थान, अब जो चीज के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।